वक्त की बड़ी खबर के साथ हल्द्वानी से ये बड़ी खबर है, जहां अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है। पीड़ित परिवारों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, तो दूसरी ओर प्रशासन की कार्रवाई भी तेज हो गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं और इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और आज और इस मामले में पीड़ित परिवारों का जो प्रदर्शन है वो जारी है। वहीं इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। आज एक घंटे का मौन रखेंगे पूर्व सीएम हरीश रावत। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन भी हल्द्वानी में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो हल्द्वानी में हथौड़े पर हाहाकार किस तरह से मचा हुआ है ये आपको समझाते हैं। अतिक्रमण हटाने के विरोध में हरीश रावत आज मौन उपवास पर बैठेंगे, एक घंटे का मौन उपवास करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। वहीं समाजवादी पार्टी का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज हल्द्वानी पहुंचेगा। सपा के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन करेंगे। पीड़ित परिवारों से समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो मुलाकात करेगा। 4,365 परिवारों को घर खाली करने का नोटिस मिला है। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास ये अनाधिकृत कॉलोनी बसी है, जहां पर 4,000 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं। कोर्ट में चल रहा है हल्द्वानी अतिक्रमण का मामला। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं जो पीड़ित लोग हैं, जो वहां के जिन पर आरोप है कि उन्होंने अतिक्रमण किया है रेलवे की जमीन पर। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को इस मामले में सुनवाई करेगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को यह कहा था कि पहले अतिक्रमण हटेगा उसके बाद विस्थापन की बात की जाएगी, जबकि जो परिवार है उनका यह कहना है कि पहले हमारे विस्थापन पर आप ध्यान दीजिए, उसके बाद जो अतिक्रमण है वो हटाएं। तो चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों का विरोध जारी है, क्योंकि 78 एकड़ जमीन है रेलवे की जिस पर अतिक्रमण है और इसको हटाने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं, जिसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं पीड़ित। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि सियासत भी शुरू हो गई है, पुलिस प्रशासन की कार्रवाई भी तेज है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी इस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, छात्रों ने प्रदर्शन किया। लोगों की गुहार है लगातार कि पहले उनके विस्थापन की बात की जाए। चलिए अब ये पूरा मामला क्या है वो भी आपको बताते हैं। अतिक्रमण के दायरे में 78 एकड़ जमीन है, ये समझिए। इस जमीन पर 4,365 मकान अवैध तरीके से बने हैं। इन मकानों में 50,000 से ज्यादा की आबादी है। करीब 20 मस्जिदें हैं इस इलाके में, 9 मंदिर और स्कूल भी है। रेलवे के अतिक्रमण का मामला 2016 में शुरू हुआ था। 9 दिसंबर 2016 में नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। उस समय भी हाईकोर्ट ने अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा था, लेकिन तब यहां बसे लोगों की दलील थी कि उनके तथ्यों को नहीं सुना गया, जिसके बाद यह मामला हाईकोर्ट में चलता रहा। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में नैनीताल हाईकोर्ट ने फाइनल फैसला सुनाया। कोर्ट ने एक हफ्ते का नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, जिसके बाद अधिकारियों ने ड्रोन से सर्वे करवाया था। 78 एकड़ जमीन थी जिसका ड्रोन से सर्वे हुआ था। 2021 में भी सुप्रीम कोर्ट ने घर खाली करने के आदेश दिए थे। तो क्या पूरा मामला है ये हम आपको बता रहे हैं। वहीं हल्द्वानी में अतिक्रमण मामले पर अब सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज हल्द्वानी जाएगा और वहां अतिक्रमण के नाम पर हटाए जा रहे परिवारों से मुलाकात करेगा। सपा के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एसटी हसन करेंगे। और क्या है सपा प्रतिनिधिमंडल के हल्द्वानी कूच का मकसद, ये जानने के लिए सपा सांसद एसटी हसन ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की है। वो बातचीत भी हम आपको सुनवाते हैं। तो अतिक्रमण के नाम पर हटाए जा रहे परिवारों से आज मुलाकात करेगा सपा का प्रतिनिधिमंडल, आज हल्द्वानी पहुंचेगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे ने लोगों को नोटिस जारी किया है और उसके बाद जो खतरा है वो मंडरा गया है। लगभग 45,000 लोगों के बेघर होने का मामला जो है वो होने जा रहा है। इसको लेकर के राजनीति भी गरमा गई है।
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस पर हमलावर हो रही है। उनका कहना है कि लोगों को बेघर क्यों किया जा रहा है। तो पूर्वोत्तर रेलवे ने जो नोटिस जारी किए उसके बाद से अब समाजवादी पार्टी ने अपना एक प्रतिनिधि मंडल जो है 10 लोगों का वो बना दिया है, जो कल हल्द्वानी जाएगा। और उस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो है मुर्दास समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर स्टेशन साहब कर रहे हैं। हसन साहब, ये बताइए समाजवादी पार्टी को क्या ज़रूरत पड़ी उत्तराखंड में हल्द्वानी जाने के लिए, जो आप प्रतिनिधि मंडल लेके कल जा रहे हैं, तो क्या इरादा है आपका? पूरा जो है प्रोग्राम है वो समाजवादी पार्टी का क्या है? देखिए, जब जब इंसानों के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटता है तो समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी होती है। 50,000 लोगों को विस्थापित करके उनको बेघर करने की साजिशें हो रही हैं। जो हल्द्वानी में हथौड़े पर हाहाकार मचा हुआ है, हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी जुड़ गए हैं। दिल्ली से अविनाश तिवारी, मुरादाबाद से उबैदुर रहमान और इसके अलावा अंकित शाह हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले मुरादाबाद चलते हैं, जहां उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद भी हमारे साथ देहरादून से बने, लेकिन पहले मुरादाबाद चलते हैं क्योंकि आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल हल्द्वानी पहुंचेगा। वन फूलपुरा में जो ये कार्रवाई हो रही है इसके खिलाफ वहां पीड़ितों से मुलाकात करेगा। डॉक्टर एस सी हसन के नेतृत्व में सपा का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। संवाददाता जो उबैदुर रहमान है उनके साथ डॉक्टर एस सी हसन मौजूद है। चलिए सीधा उनका रुख करते हैं। जी उबैदुर जी, हाँ, हमारे साथ डॉक्टर एस टीसन साहब हैं जो सांसद हैं मुरादाबाद से, और यही आज के जो प्रतिनिधि मंडल है समाजवादी पार्टी का, जिसमें 10 नेताओं का प्रतिनिधि मंडल आज हल्द्वानी पहुंचेगा। उसका नेतृत्व जो सांसद हैं मुरादाबाद के लोकसभा में डॉक्टर एस टीसन साहब, वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि आज आपका जो कार्यक्रम है वो क्या है और अब से कितनी देर बाद आप निकलने वाले हैं मुरादाबाद से? देखिए, अब से थोड़ी देर में मैं निकलने जा रहा हूँ जी। हम हल्द्वानी पहुँचेंगे और जिस तरह से जैसे आप लोग भी बता रहे हैं कि हल्द्वानी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, ये एक इंसानियत के ऊपर बहुत बड़ी त्रासदी होने जा रही है। शायद आज़ाद हिंदुस्तान में आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा। 5,000 लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, 5,000 परिवारों को, और तकरीबन 52,000 लोग इससे इफ़ेक्ट होने जा रहे हैं। जिस जगह पर यह कार्रवाई हो रही है वहाँ पर गवर्नमेंट के स्कूल भी हैं जी, वहाँ पर 9 मंदिर हैं, वहाँ पे 20 मस्जिदें हैं, वहाँ पे ATM वगैरह हैं, वहाँ पे लोगों को राशन कार्ड हैं, लोगों को परमानेंट एड्रेस के लिए सब कुछ दिया हुआ है। फिर ये आखिर कार्रवाई क्यों हो रही? क्या रेलवे के पास कोई ऐसा सबूत है कि उन्होंने ये ज़मीन कहाँ से ली थी? उन्होंने क्या ये खरीदी थी या वैसे कब्जा करा था किसानों की ज़मीनों के ऊपर? अब समाजवादी पार्टी की क्या मांग है? आप किन किन लोगों से आज मिलने वाले हैं हल्द्वानी पहुंच करके, और कौन कौन नेता आपके साथ रहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी की यही मांग है कि ज़मीन इंसानों के लिए होती है, इंसान ज़मीन के लिए नहीं है। इंसानों को उजाड़ कर उनकी आंखों में आंसू लाकर ज़मीन मुक्त करा ली जाए और वहाँ पर कॉमर्शियल काम करे जाएँ या और कुछ करा जाए, ये औचित्य इसका हमारे समझ में नहीं आता। बहुत सी तरकीबें ऐसी हो सकती थी। अगर बफजर मोहान मान लिए कि ये ज़मीन रेलवे की भी है, तो क्या इसको रेंट पे नहीं दिया जा सकता? क्या इसे फ्री होल्ड नहीं किया जा सकता? क्या हिंदुस्तान के अंदर जितनी कॉलोनीज हैं, दिल्ली के अंदर कितनी कॉलोनी इसको रेगुलराइज किया? क्या लगता है कि अदालत में क्या सरकार ने मजबूती से पैरोकारी नहीं की? क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो सरकारी स्कूल हैं वो भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सड़कें बिछाई गई हैं, बिजली की लाइनें बिछाई गई हैं, और बैंक है, तमाम चीज़ें हैं। तो इतने लंबे समय से जब ये आबादी हो रही थी और जो मुकदमा चल रहा था हाईकोर्ट में, नैनीताल में जो आदेश आया है, तो क्या लगता है कि सरकार ने भी क्या पैरोकारी उत्तराखंड सरकार ने अच्छे से नहीं की, आपको लगता है? हमें तो ऐसे ही महसूस होता है कि सरकार ने इंसानियत के हिसाब से पैरोकारी नहीं करी, अच्छे तरीके से भी नहीं करी, और उन्होंने इंसानियत का कोई ख्याल नहीं रखा। समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल है उसमें पंजाब के समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तराखंड के हैं, 10 नेता जो आज जा रहे हैं, ये आज आप लोगों का कार्यक्रम क्या है और किन किन लोगों से, क्या वहाँ अधिकारी से भी बात करेंगे या जो वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं लोग, उन लोगों से आप मिलेंगे? देखिए, हम वहाँ उस जगह का जायज़ा लेंगे, वहाँ के लोगों से मुलाकात करेंगे, कोशिश करेंगे अधिकारियों से भी हमारी मुलाकात हो, और हम यही कोशिश करेंगे कि इसको फ़िलहाल कैंसिल करके ह्यूमैनिटी के नाते, इंसानियत के नाते सरकार कोई ऐसा तरकीब निकाले। सरकार सब कुछ कर सकती है।
उबैदुर बिल्कुल, तो आज समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल डॉक्टर एस के हसन के नेतृत्व में हल्द्वानी पहुंचेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, सीधा हम हल्द्वानी का रुख करते हैं जहां पर अंकित शाह हमारे संवाददाता वनभूलपुरा के उसी जगह पर मौजूद है जहां पर आशियाने पर खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल सीधा रुख करते हैं अंकित शाह का। अंकित, क्या सोचते हैं अब वहां के लोग, क्या कितने परेशान हैं, कितने खौफजदा हैं और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कितनी उम्मीद है कि क्या उन्हें राहत मिल जाएगी? उन्हीं से बात कीजिए वहां के लोगों से सीधे। मैं इंदिरा नगर में हूँ और आपको पहले मैं एरिया दिखा देता हूँ कि ये एरिया जो आप देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक यहाँ देख रहे हैं, ये रेलवे की दर्ज पे आ रहा है। जो रेलवे कह रही है हमारी भूमि पे इन्होंने अतिक्रमण किया है लगातार, जिसके बाद यहाँ पर लगातार विरोध हो रहा है, लोगों की नाराजगी साफ नजर आ रही है। लोगों को साफ तौर पर कहना है कि जो रेलवे अतिक्रमण की बात कर रहा है वो पूरी गलत है। यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे बात करिए, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर सुबह से हैं, जब से हमारे यहाँ पर टीम आई है तब से सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे बात करना है। सब रेलवे कह रहे हैं कि अतिक्रमण किया है, रेलवे कैसा कह सकता है हमने अतिक्रमण किया हुआ है, जब उसकी जमीन ही नहीं है। अतिक्रमण तो वहाँ होता है ना जब जिस किसी की जमीन होती है, अच्छा जमीन ही नहीं है इसकी, अतिक्रमण कहाँ से होता है? ये नगर पालिका की जमीन है, यहाँ पर हमने हाउस टैक्स देते हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, यहाँ पर सीवरेज वगैरह पड़ी हुई है, स्कूल्स वगैरह हैं, कॉलेज हैं, और सबसे बड़ी बात है सेलेटर हाउस था यहाँ पीछे जो 1938 को हटाया गया, उसके बाद में यहाँ पर सामुदायिक मतलब हॉस्पिटल बनाया गया और इसको शिफ्ट करके लैंड के पार्क पहुंचाएगा। तो रेलवे की जमीन कहाँ से हो गई? रेलवे की जमीन होती कुछ और लोग हैं उनसे बात करेंगे। भाई साहब किस तरह से देखते हैं जिस को आप? ऐसा बिल्कुल गलत है, ये एरिया रेलवे में आती ही नहीं है। 1938 से तो यहाँ सिलेटर हाउस था, नगर पालिका ने उसका पैसे लेती थी, बैस कटिंग के पैसे लेती थी। 1938 से ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम का सिलेटर हाउस बना हुआ था, उसके बाद यहाँ से हटा के उसको यहाँ लैंड के पार्क पहुँचाया गया, यहाँ अस्पताल पहुँचाया गया। ऐसी बार लैंड पड़ हुई है, 1958 के आसपास का इंटर कॉलेज बना हुआ है। गवर्नमेंट ने कैसे बना दिया इंटर कॉलेज? बना दिया, तीन तीन कॉलेज बने हुए हैं। अभी आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट पता जितना आएगा उसको कितना इंतजार है? बिल्कुल इंतजार है साहब, अगर कैसे भी हो ऐसे हिलेंगे नहीं, एक ईट ही नहीं लाएंगे हम लोग यहाँ से। नगर पालिका की जगह ही नहीं है यहाँ की, बिल्कुल। अंकित शाह, तो लोगों की अपनी दलील है, उनका कहना है कि जब वो इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, रेलवे की जमीन नहीं है और तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाह टिकी है, कल 5 जनवरी को जब इस मामले में सुनवाई होगी। और सीधे रुख करते हैं दिल्ली से, हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या वक्त तय किया गया है और राज्य सरकार की ओर से या फिर रेलवे की ओर से पैरोकारी कौन करेगा इस मामले में, पूरी जानकारी दीजिए। जी कौशल, अगर बात करें तो जिस तरीके से नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला आया है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है और कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर विस्तृत सुनवाई करेगा, जिसमें उत्तराखंड सरकार भी अपना पक्ष रखेगी कि कैसे जिन लोगों को ये अवैध कॉलोनियों को खाली करने के लिए कहा गया है उनको कैसे बसाया जाएगा, किस तरीके से उनको पुनः स्थापित किया जाएगा, इसको लेकर के अपना पक्ष रखेगी। वहीं अगर बात करें तो रेलवे की ओर से भी वकील रहेंगे, वो भी अपना पक्ष रखेंगे और बताएंगे कि ये उनकी जमीन है और उस पर किस तरीके से अनधिकृत तरीके से कॉलोनियों को निर्माण किया गया और उसमें किस तरीके से वहाँ पर राजनीति हुई। तो तमाम कल सुप्रीम कोर्ट में रखे जाएंगे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देगा, क्योंकि ये काफी बड़ी जो है मानवीय वो मानव के ऊपर सबसे बड़ी जो है परेशानियां होंगी, क्योंकि जिस तरीके से 4000 के तकरीबन ऊपर परिवार है जिनको नोटिस दी गई है, तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इस आधार पर भी सुनवाई करेगी कैसे इतनी बड़ी जनसंख्या को वहां से पुनर्स्थापित किया जाएगा और इसको लेकर के उत्तराखंड सरकार को जवाब देना होगा और रेलवे को भी जवाब देना होगा। जी बिल्कुल, तो आप नजर बनाए रखिएगा। देहरादून का रुख कर लेते हैं, विनोद कुमार हमारे संवाददाता देहरादून से बने हुए हैं। विनोद, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, उसके बाद क्या फैसला आता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सियासत जो एक चीज़ है वो लगातार जारी है इस मुद्दे पर। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी आज पहुंचेगा, वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत उपवास पर बैठने वाले हैं, किस वक्त उनका ये कार्यक्रम है और अब राज्य सरकार को लेकर लगातार जो घेरा जा रहा है, किस तरह से इसका बचाव करेगी सरकार? बिल्कुल कौशल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले सपा सांसद एसटी हसन को जिस तरह से उन्होंने बात कही, वही डिमांड पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की भी है। हरीश रावत आज अपने आवास पर 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक मौन उपवास रखेंगे और हरीश रावत का ये मानना है और ये डिमांड भी है कि आखिरकार जो 52,000 लोग हैं इस सर्द मौसम में, आखिरकार उन 52,000 लोगों में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, गर्भवती महिला हैं, असहाय लोग हैं, उनको आखिरकार सरकार पहले से विस्थापित क्यों नहीं कर रही है। हालांकि अभी कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस
पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहता है उसके लिए तो इंतजार करना होगा कि आखिरकार अगर अतिक्रमण हटाने को लेकर हरी झंडी माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी जाती है तो बड़ा एक चुनौतीपूर्ण काम ये राज्य सरकार के सामने होगा। उसी काम को लेकर हरीश रावत आज मौन उपवास पर रहेंगे। एक घंटे का ये मौन उपवास होगा और हरीश रावत का साफ तौर पर यह कहना है कि राज्य सरकार उन 52,000 लोगों के लिए खासतौर पर कोई ऐसी व्यवस्था करे या उनको विस्थापित करे। आखिरकार अगर अतिक्रमण हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से हरी झंडी दी जाती है तो एक चुनौती सरकार के सामने जरूर होगी, लेकिन हरीश रावत का ये मानना है कि सरकार कोई ना कोई उनके लिए ऐसा उपाय करे ताकि वो इस सर्द मौसम में वो बच पाए, क्योंकि उन 52,000 लोगों में बूढ़े हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिला हैं और उसके अलावा करीब 4,000 से ज़्यादा ऐसे परिवार हैं जो अतिक्रमण अगर हटता है तो बिल्कुल साफ तौर पर वो 52,000 लोग प्रभावित होंगे। उसको लेकर आज सरकार से अपील हरीश रावत करेंगे, मौन उपवास रखेंगे और सरकार से अपील भी करेंगे कि कहीं ना कहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें डिसीजन लेता है उस पर सभी की निगाहें हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ में 590 से ज्यादा घरों में दरारें आ गई हैं, जिससे आधे से ज्यादा घर रहने लायक नहीं बचे हैं। दो होटलों को खतरा भी पैदा हुआ है। होटलों की दीवारों से पानी का रिसाव हो रहा है और कोई भी अनहोनी हो सकती है, इसका डर बना हुआ है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जोशीमठ में 590 से ज्यादा घरों में दरारें आ गई हैं। ये तस्वीरें देखिए, रिसाव हो रहा है। दो होटल हैं जहां पर पानी का रिसाव हो रहा है, 590 से ज्यादा घर हैं जिसमें दरारें आ गई हैं, आधे से ज्यादा घर रहने लायक नहीं बचे हैं। दो होटलों को भी खतरा पैदा हो गया है। होटलों की दीवारों से पानी का रिसाव हो रहा है, कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है, इसका डर बना हुआ है। तस्वीरें देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये होटल है जिससे जिसकी दीवारों से पानी का रिसाव हो रहा है और 590 से ज्यादा ऐसे घर हैं जहां दरारें पड़ गई हैं। तो ऐसे में यहां जो लोग हैं, जो बसे हुए हैं, उन पर क्या बीतरी होगी, किस खौफ के साए में वो होंगे, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जोशीमठ में लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। मकानों में दरारें आने के बाद कड़ाके की ठंड में लोग सड़क किनारे बैठे हुए हैं। पिछले 4 महीने से भूधसाव से दिक्कत बढ़ती जा रही है। अब तक 590 मकानों में दरारें आ चुकी हैं, वहीं दो होटल भी झुकने लगे हैं। साथ ही 5 भवनों को भी नुकसान पहुंचा है, उसमें भी दरारें आई हैं। यही नहीं कि लोगों ने पूरी रात अलाव के सहारे सड़क पर गुजारी है। तो भूधसाव के बाद किस तरह का खतरा पैदा हो गया है जोशीमठ में, वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। लोग अपने घरों से बाहर रात बिताने को मजबूर है। इस कड़कड़ाती ठंड में अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। घरों में दरारें पड़ गई हैं। 590 से ज्यादा ऐसे घर हैं जहां दरारें पड़ गई हैं। होटलों में दो होटल ऐसे हैं जहां पानी का रिसाव हो रहा है। सरकार चाहता है कि हम लोग मर जाएं, दब जाएं, कुचल जाएं, इसी का इंतजार करेंगे। आज हमारे बाल बच्चे रोड पे आ गए, भगवान करे मुख्यमंत्री धामी जी के बच्चे भी रोड में आ जाएं, तब उनको पता चलेगा कि दुख क्या होता है, आपदा की घड़ी क्या होती है, आपदा में कितने मनोबल टूटता है। और हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इस देश में हमारे पूछने वाला कोई नहीं है। लोग रोड में रहे रात भर, अब छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे लोग, कोई भी व्यवस्था नहीं हो रही, कोई नहीं सुन रहा नहीं। हमें बोली कि लोग कितने रो रहे, कितने वो कर रहे हैं, जो किराएदार है वो तो चले चले गए, वो मकान मालिक ने सब कुछ यहाँ वो लगा दिया, अब कहाँ जाएंगे वो, व्यवस्था तो कुछ नहीं वो कर रहे, कोई नहीं सुन रहे, कहाँ जाएंगे। तभी तो बोली कि बच्चों की बड़ी समस्या हो गई, सब मकान ऐसे वो सब रो रहे रात। जोशीमठ के लोगों की इन दिनों नींद उड़ी हुई है। एक एक कर 500 से ज्यादा घरों में दरार आ चुकी है, जिस वजह से लोग दहशत में जी रहे हैं। जोशीमठ शहर तबाही के मुहाने पर खड़ा है। एक एक कर शहर की 500 से ज्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं, तो वहीं होटलों में भी लगातार दरारें आ रहे हैं। लोगों को लगता है कि घरों में दरारें आने का सबसे बड़ा कारण एनटीपीसी का तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट है, जिसकी सुरंग की वजह से दरार आ रही है। पूरे मोहल्ले में
नीचे से घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी है और भूधसाव से तो हमको खतरा बना ही है, पर हमारे पीछे जो बड़े बड़े 5-6 मंजिला इमारत बनी है उससे हमको एक अतिरिक्त दबाव है। मगर इस पर वैज्ञानिकों की अलग ही राय है। वैज्ञानिकों को लगता है कि शहर का ड्रेनेज सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। टकराने के लिए एक टेम्पररी हम व्यवस्था कर सकते हैं और वो हम जल्द ही करेंगे। दूसरा, उनको पुनर्वासित किया जाए दूसरे जगह पर, उसके लिए हमें जगह देखनी पड़ेगी और जगह देखने के बाद वो सुरक्षित जगह मिल जाती है तो जिन घरों को तत्काल विस्थापित किया जाने की आवश्यकता वो हम करेंगे। कितने लोग सर हैं? एग्जैक्ट नंबर अभी हम 15 तारीख तक हमने DM को कहा है कि एग्जैक्ट नंबर हमें चाहिए, कहाँ किन किन जगहों पे कौन कौन से घरे हैं जहाँ पर कि क्रैक्स इतनी ज़्यादा है कि रहना वहाँ पर उन घरों में निवास करना डरावना हो सकता है। खतरा दिनों दिन बढ़ रहा है, ऐसे में वैसे लोगों को सबसे पहले शिफ्ट किया जाएगा जहाँ पर दरारें ज़्यादा हैं। पत्र भेजा गया है उसमें इस बात की भी चर्चा की गई है कि वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं थोड़े अनप्लान्ड तरीके से हो रहे हैं क्योंकि भूमि काफ़ी लूज है, मिट्टी लूज है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन प्लान्ड तरीके से हमें करना चाहिए। कई जगह होटल बताया गया है कि 7-7 मंजिल का होटल बना दिया गया है, वो भी एक भूमि पे लोड क्रिएट करता है और भूमि उतनी लोड लेने के लिए वो तैयार नहीं है, तो हमें उस पर भी हमें निगरानी रखने की आवश्यकता है। उसके लिए हम एक अलग से बैठक करेंगे, उसमें निर्णय होगा कि क्या हमें कंस्ट्रक्शन को प्लान्ड वे में करना चाहिए। चिंता इस बात को लेकर है कि कहीं जोशीमठ शहर जमीन दोज ना हो जाए, इसी वजह से कितने ही लोगों को घर खाली करा दिए गए हैं। एहतियात के तौर पर जोशीमठ के होटलों में यात्रियों के रुकने पर रोक लगा दी गई है। ABP गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत के साथ देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। तो एक तो कड़ाके की सर्दी की मार और ऊपर से भू धसाव के बाद घरों में आई दरारें। 590 ऐसे मकान हैं जहां दरारें आ गई हैं और उसके बाद लोग कैसे जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। हालांकि सरकार से लगातार ये उम्मीद है कि सरकार उनकी सुनेगी। पीलीभीत में जमीन विवाद को लेकर भिड़े दो पक्ष, दोनों तरफ से चले लाठी डंडे, वीडियो वायरल। मारपीट में महिलाओं समेत कई लोग घायल, वायरल वीडियो की जांच में कर पुलिस कार्रवाई में जुटी। जालौन में दबंगों ने खेत में आवारा पशुओं पर बिना लाइसेंसी राइफल से की फायरिंग, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। कौशाम्बी में कार सवार ने लड़की को मारी टक्कर, टक्कर मारने के बाद कार सवार भी कार समेत खाई में पलटा। पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, कोचिंग से घर लौट रही थी लड़की। मंजनपुर थाना क्षेत्र के बाजापुर की घटना। अमरोहा में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ की छापेमारी, टीम ने 2500 लीटर लहन नष्ट किया, 500 लीटर अवैध शराब भी बरामद। शराब माफिया के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज, मुखबिर की सूचना पर हसनपुर के मिलक गांव में की गई छापेमारी। कानपुर में 112 PRV के पुलिसकर्मियों पर घर में घुसकर महिला से छेड़खानी का आरोप, एक पुलिसकर्मी मौके से भाग निकला, दूसरे को महिला ने पुलिस पकड़कर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पुलिसकर्मियों पर दर्ज किया छेड़छाड़ का केस, दोनों आरोपियों को सस्पेंड किया। रंगदारी और धमकाने के मामले में आज कानपुर कोर्ट में इरफान सोलंकी की पेशी, इरफान को महाराजगंज से कन्नौज जेल लाया गया था। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने दायर की है याचिका। ज्ञानवापी शंकर गौरी केस में आज फिर होगी सुनवाई, आज मुस्लिम पक्ष की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट, सिविल की कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर होगी सुनवाई। मुख्तार अंसारी का वॉइस सैंपल लिए जाने वाली अर्जी पर आज सुनवाई, प्रवर्तन निदेशालय ने स्पेशल कोर्ट में दाखिल की है अर्जी। यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन, राहुल गांधी ने बागपत के मवी कला गांव से की आज की यात्रा की शुरुआत। शामली के एलम में किसानों ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर नाराजगी जाहिर की और यात्रा के दौरान किसानों से ली जमीन के किराए की मांग की। वहीं डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने मंदिर में दर्शन से राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत पर तंज कसा और कहा पहले उनको अपना धर्म स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने भी राहुल की यात्रा को लेकर कहा कि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे, साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सफल है। यूपी में निवेश के लिए सीएम योगी मुंबई जाएंगे, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित करेंगे।
यूपी में सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर सीएम योगी ने की बैठक और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। यूपी में 5 जनवरी से 4 फरवरी तक सड़क सुरक्षा अभियान चलेगा। आज राजस्थान के पाली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी राष्ट्रीय जंबूरी का उद्घाटन। देश विदेश से जुटेंगे 35,000 स्काउट और गाइड। मध्य प्रदेश में गरीबों को जमीन देगी शिवराज सरकार। आज टीकमगढ़ जिले के 10,500 लोगों को मिलेंगे 600 स्क्वायर फीट की जमीन। बिहार के बेतिया से शुरू होगी सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा। महीने भर की इस यात्रा में टटोलेंगे जनता का मूड। आज दिल्ली में पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के साथ करेंगे बैठक। एसवाईएल के मुद्दे पर होगी चर्चा। आज से हिमाचल की 14वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 6 जनवरी तक चलेगा सत्र। आज सुबह 11 बजे नए विधायकों को प्रोटेम स्पीकर दिलाएंगे शपथ। त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देव के पैतृक घर पर उपद्रवियों का हमला। मकान को लगाई आग। भाजपा ने हमले के पीछे सीपीएम का बताया हाथ। बिल्किस बानो मामले में दोषियों की जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली के कंझावला केस में अंजलि के साथ किसी सेक्सुअल असॉल्ट के सबूत नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा। निजी अंगों पर चोट के निशान नहीं। दिल्ली के द्वारका मोड़ पर बड़ा हादसा। दिल्ली पुलिस के 2 कर्मचारियों ने गाड़ियों को मारी टक्कर। कई लोग घायल। जम्मू के राजौरी में हुए आतंकी हमले में शामिल आतंकियों की सूचना देने के लिए पुलिस ने किया इनाम देने का ऐलान। 10 लाख रुपए देगी जम्मू पुलिस। रविवार शाम एक आतंकी हमले में 3 की मौत हुई थी। हिमाचल के धर्मशाला में आईपीएस अधिकारी सज्जू राम राणा का हार्ट अटैक से निधन। कांग्रेस की जन आभार रैली में ड्यूटी के दौरान पड़ा दिल का दौरा। पिछले 7 दिन में बेकाबू हुआ कोरोना। दुनिया भर में 30 लाख से ज्यादा केस मिले। 7 दिन में 10,000 लोगों ने गंवाई जान। न्यू ईयर के जश्न के बाद अब जापान अमेरिका दक्षिण कोरिया और ब्राजील में भी कोरोना भेग लगाम। जापान में 7 दिन में 2,188 लोगों की मौत। ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी ने बनाया नया रिकॉर्ड। 2022 में करीब 2,63,000 से ज्यादा गाड़ियां एक्सपोर्ट की। जल्दी एलन मस्क को पीछे छोड़ देंगे भारतीय कारोबारी गौतम अडानी। जल्द अडानी होंगे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी। धारचूला के उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी से बदला मौसम। निचले इलाकों में बढ़ी ठंड। धारचूला के व्यास घाटी में आदि कैलाश ओम पर्वत लिपुलेख में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाके गंगोत्री हर्षिल मुखबा धराली में मौसम बदलते ही बर्फबारी शुरू। हरिद्वार में एनएच पर सुबह सुबह दिखा घना कोहरा। कोहरे की वजह से सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार पड़ी धीमी। गाड़ियों को चलाने में लोगों को हुई काफी परेशानी। बड़कोट के पिंडकी गांव में 2 मंजिला भवन में लगी भीषण आग। घर के अंदर रह रहे लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। धारचूला में सड़क समेत मूलभूत सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। प्रशासन और पीडब्ल्यूडी पर अनदेखी का आरोप लगाया। कासनीधार से खुलदौड़ी तक सड़क निर्माण के विरोध में भाटनी कोट के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। कहा सड़क के बनने से उनके ग्राम पंचायत का पानी और पानी का स्रोत नष्ट हो जाएगा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बेरोजगार युवाओं के समर्थन में नंगे पांव निकाली पदयात्रा। डिस्पेंसरी रोड से यात्रा की शुरुआत की। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान। कहा कि मामला कोर्ट में है। जो भी आदेश आएगा उसके मुताबिक सरकार आदेश का पालन कराएगी। हल्द्वानी में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर प्रशासन तैयार। पिलरबंदी सीमांकन और ज्वाइंट सर्वे का काम हुआ पूरा। रुद्रप्रयाग की सड़कों पर जगह जगह गड्ढे होने से आम लोग परेशान। जान जोखिम में डालकर करनी पड़ती है आवाजाही। रुड़की में एक बार फिर लापरवाही दे रही हादसों को न्योता। मलकपुर चुंगी के पास हाईवे के बीच सड़क धंसने से एक बड़ा गहरा गड्ढा बन गया जिससे बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा। मसूरी में प्रशासन की ओर से गलियों में लगाए जा रहे बैरियर का लोगों ने विरोध किया। लोगों ने पालिका और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। रुद्रप्रयाग में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ 3 दिन के सिलगढ़ महोत्सव का समापन। आखिरी दिन पर मुख्य अतिथि विधायक भरत सिंह चौधरी शामिल हुए।
उत्तरकाशी में आयोजित माघ मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक ने रेखीय विभागों की अहम बैठक ली। साथ ही कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए भारत सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए। जोशीमठ के सिंहधार वार्ड में 5 परिवारों को प्रशासन ने किया शिफ्ट। लोगों ने कड़ाके की ठंड के बाद सड़क किनारे आग जलाकर अपने परिवारों के साथ रात बिताई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।